राजस्थान के 6 जिलों में पंचायती राज संस्था, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के बाद अब जिला प्रमुख व प्रधान पद के लिए घमासान तेज हो गया। इनका चुनाव आज होना है। इन चुनावों में बीजेपी के मुकाबले लीड ले चुकी कांग्रेस 4 जिला परिषदों में काबिज होने की पूरी तैयारी में है। वहीं बीजेपी के पास फिलहाल एक जिला परिषद में ही बहुमत है, भरतपुर में किसी के पास भी बहुमत नहीं। अब कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा पंचायत समितियों में प्रधान बनाने की मशक्कत में जुटी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस जिला प्रमुख के साथ ही प्रधान के नामों का इन वक्त पर ही ऐलान करेगी। इन चुनावों में कांग्रेस को जयपुर, जोधपुर, सवाईमाधोपुर और दौसा जिला परिषद में बहुमत मिला है, या कांग्रेस के जिला प्रमुख बनना लगभग तय है। सिरोही जिला परिषद में बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन भरतपुर जिला परिषद में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहीं बीजेपी सबसे पहले बड़े दल के रूप में उभरी है, लेकिन इसे जिला परिषद पर कब्जा करने के लिए निर्दलीय और बसपा के साथ की जरूरत है। दूसरी तरफ 4 जिला परिषदों में बहुमत पाने वाली कांग्रेस के सामने जिला प्रमुख पद के लिए नामों का चयन करना एक बड़ी चुनौती है। दावेदार तरह तरह के इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने करीब 60 पंचायत समितियों में प्रधान बनाने का दावा किया। इसके लिए दिग्गज नेता रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।